for himself. अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड, एक एक्सक्लूसिव आज की जी एपिसोड है। ना सिर्फ एक्सक्लूसिव है बल्कि फायरी भी हो जाएगी। अगर हम थोड़ा सा तारीख में नजर दुराएं, वैसे तो मुझे राशिद लतीफ जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कॉट बिहाइंड के करता धरता, ये मुझे इजाजत नहीं देते ब्लैक एंड वाइट में जाने की, लेकिन एक कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आपके सामने रखूंगा। एक बॉलर थे, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर थे चार्ली मैरियट, उन्होंने 711 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की, एक टेस्ट मैच खेले और उन्होंने 11 विकेटें ली उस टेस्ट मैच में। वो दोबारा कभी नहीं खेले टेस्ट, तो कमाल नहीं है कि एक टेस्ट खेला 11 आउट किए। और अगर आप टॉप 10 बॉलर्स देखें जिन्होंने अपने डेब्यू पे 10 या उससे ज्यादा विकेटें ली, उनमें से जो है बहुत कम ऐसे हैं जिनके करियर लंबे हुए। ये मुझे समझ नहीं आई, आज मैं अपने एक्सपर्ट से पूछूंगा। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं, जेसन क्रेजा जो हाल ही में खेले थे, उन्होंने डेब्यू पे 12 विकेटें ली थी लेकिन 2 टेस्ट मैच खेले। सिडनी बर्ग थे, वो 2 टेस्ट मैच खेले। इसी तरह मोहम्मद जाहिद पाकिस्तान के, जिन्होंने तहलका मचाया, टेस्ट मैच डेब्यू किया रावलपिंडी में अगेंस्ट न्यूजीलैंड 1996, और उन्होंने 11 आउट किए थे 4/64 और 7/66, लेकिन उनका करियर सिर्फ 5 टेस्ट मैच तक महदूद रहा। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। फ्रेड मार्टिन थे, उन्होंने 10 से ज्यादा आउट किए डेब्यू पे, 2 टेस्ट मैच खेले। ये क्या रीजन है? और आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, दुनिया के तेज तरीन बॉलर, द फास्टेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, आजकल ऑफ द फील्ड भी बहुत फास्ट जा रहे हैं, और हमारे साथ होते हैं हमारा पार्ट है एंड शुएब अख्तर। शुएब भाई वेलकम जी डॉक। और हमारे प्रोड्यूसर हैं, आपको पता है, डायरेक्टर हैं, कंटेंट राइटर हैं, हमारे बॉस हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब। प्रोडक्शन में कुछ मसाइल आ रहे हैं शोएब, कुछ आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं, वेलकम करते हैं डॉक्टर। देखो ये इंट्रोडक्शन ऐसे होता है, हमारे जो गेस्ट हैं आज मोहम्मद जाहिद, जाहिद साहब आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो कोड में, कॉट बैंड में जी। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, शुक्रिया आपका। ये तो आपने 1920 का इंट्रोडक्शन दिया है, अभी तो मैंने जाहिद के बारे में बहुत सारी बातें। जाहिद मोस्ट वेलकम, लेट्स सम द क्विकेस्ट एवर, और शुएब साथ बैठे हैं, उनका ये कहना है कि शायद आप शुएब से भी तेज गेंद करते थे, एंड वी हैड सीन यू नॉट ओनली डिलीवरिंग टेस्ट मैच पिंडी में, बल्कि मुझे याद है कार्लटन यूनाइटेड 97 जहां पे ब्रायन लारा भी आपके रिदम पे फारिग हो गया था। So, most welcome, और ये कॉट बिहाइंड में अच्छा है कि आपके बाल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों के बाल उतर जाते मेरे तो जवानी में ही उतर गए थे जी जाहिद, क्या हुआ? Infected, injury prone, did not look after, बेरा रवि का शिकार हो गए, दुनिया के लोग जालिम थे, खुद मरने का शौक था, ये पांच टेस्ट मैच कैसे? बस सारा कुछ मिला लें तो मेरा ख्याल सभी कुछ सारे फैक्ट्स हैं। सही सही बोला आपने, सही समझा। ओके, सो कुछ अपनी भी गलतियां थी, कुछ रिग्रेट नहीं। क्रिकेट तो खेली, भरपूर खेली, काफी साल खेली, जितने साल सारे खेलते हैं, लेकिन वो कैमरे पे कम खेली। वेरी वेल सेड शेबी, योर ओपिनियन अबाउट मोहम्मद जाहिद। वो तो कई दफा मैं पहले भी कह चुका हूँ, जायद को भी बता चुका हूँ, और मैं हमेशा बिलीव करता था कि जायद वाज अ बेटर एथलीट, पेस एंड फास्टर देन मी, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक कि मुझे लगा कि पाकिस्तान में या यूनिवर्स में अगर कोई रिदमेटिकली करेक्ट फास्ट बॉलर और पेस के हिसाब से जो बॉलर आया है, इवन आई विल take it bit more further, के West Indies की era के जो fast bowlers थे, I would say that Zahid was right up there with the West Indians. जैसे अगर Michael Holding का अगर आप ले लें run up ले लें, वो Zahid में था। अगर Malcolm Marshall की in the air pace ले लें तो वो भी Zahid में थी। अगर चलाकी ले लें fast bowling में और bowling sense ले लें वसीम अकरम की, वो भी Zahid में थी।
और सब कुछ था जायद में, लेकिन जो जायद में एक चीज नहीं थी जो मुझ में थी, वो मेरे बड़े बाल थे। नहीं, जब मैं और शुएब खेलते रहे पीआईए के लिए, मेरे ख्याल चार पांच छह सीजन खेले हमने पहले, एक एंड से शुएब करता था, वो ओपनिंग बॉल करता था, एक एंड से मैं करता था, तो उस वक्त मेरे बाल तुमसे ज्यादा अच्छे थे। अच्छा, वैसे जायद भाई, ये जो एक एंड से अगर शुएब करता था और एक एंड से जायद आप करते थे, तो बैट्समैन के गार्ड के अलावा टेंपर क्यों चेंज के आते थे? वो तो पता नहीं यार, हम ओवर सिर्फ 7-8 कराते थे घंटे में। डॉग, एक सवाल पूछ लेता हूं राहिल से ना, जो कराची में जो मैच हो रहा था असगर अली शाह पे, क्योंकि वो शायद पहला सीजन था और वहां पे आप पूरे पाकिस्तान में फेमस हुए, वो साजिद अली के सर पे बॉल लगना, साजिद अली बहुत अच्छा फास्ट बॉलर को खेलता जी, और हेलमेट पे बॉल लगी और शायद उसके बाद उन्होंने बैटिंग भी नहीं की थी, वो किस्सा जरा बताइएगा। राशिद भाई, वो टेस्ट मैच से मेरे ख्याल से कुछ 2-3 हफ्ते पहले थे, पहले की बात है वो, बल्कि उससे पहले मैं साइड मैच खेल चुका, न्यूजीलैंड पाकिस्तान में थी, मैं साइड मैच खेला था साईवाल में 3 डे, उसमें भी मेरे ख्याल से कोई 7-8 आउट थे, कोई 15-17 कैच लगाए कीपर ने जी हाँ। तो उसके बाद मैं उस दौरान मेरी जो एक तो फिटनेस बहुत आला थी, दूसरा मैंने बॉलिंग बड़ी की हुई थी, नेट्स में पीआई का नेट लगा होता था रोज 4-5 पर, फिर वहां से वो मैच खेलने के बाद सीधा मैं कराची आया, तो वहां असगर अली शाह पे मैच था और मैं तो रन अप लिया, बॉल किया, जैसे वो तो लूजन अप ही था, तो वो बॉल कहीं सीम पे लगा सही और वो अप्लाई किया और लगा साजिद भाई को, जो काफी बुरा लगा था मेरे ख्याल से। अच्छा, और वो तो पहला दूसरा तीसरा ही बॉल था मेरे ख्याल से, लूजन अप ही था, लेकिन वो समटाइम ऐसा होता है ना, जैसे पिचेस पे जब आपका रिदम अच्छा हो तो बॉल को आपको ज्यादा जोर से भी ना मारे तो बॉल तो फ्लाई करता है, फिर भी फ्लाई करता है, तो लगा उनको काफी खतरनाक लगा। अपना राशिद भाई और शुएब भाई, बल्कि एक चीज इंटरेस्टिंग है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ जायद को अपॉर्चुनिटी मिली, जिसने इसने कहा कि वो 3 डे में साइड मैच में आउट किए थे, लेकिन दो हमारे टॉप फास्ट बॉलर जो थे वसीम अकरम वकार, दोनों अनफिट होके और वो अवेलेबल नहीं थे जब जायद खेला, और जब 11 आउट हुए तो अगले वनडे में दोनों अवेलेबल हो गए। तो शुएब अख्तर, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, मेरे टाइम पे तो दोनों ही अवेलेबल थे ऑल द टाइम। मेरे ख्याल में आई थिंक के देखिए, मैसेज जो था ये था कि जायद का अराइवल, तो मैंने तो खैर देखा जायद को शुरू से, जायद और मैं बहुत पुराने दोस्त भी हैं, हमारे करियर भी ऑलमोस्ट सेम ईयर सेम अर्ली 93 एंड 94, टीम भी एक ही थी फर्स्ट क्लास की पीआई। हाँ, वो 94 हमारा मतलब हम अराइव हो चुके थे सीन पे, रूम भी शेयर करते थे। हाँ, पीआई के लिए शेयर क्या करते थे, तुम सोए रहते थे, मैं शेयर करता था। तो आई थिंक कि हमारा जो अराइवल था 94, अगर आप सही अगर आप कहें तो 94 में जैसे गोड़े गिटों में से धुएं निकल रहे थे हमारे, मतलब स्प्रिंग लगे हुए थे हिरनों की तरह, वो 94 है। 94 के बाद ऑब्वियसली हम सीजन खेले, आगे चले, और हमें ये यकीन था कि हम खेल जाएंगे, लेकिन किसी को ये यकीन भी नहीं था कि कोई किसी को रिप्लेस कर पाएगा, ये बिलीव मेरे ख्याल में किसी में भी नहीं था। मैं आपको बड़ी खुल के और सही बात बता रहा हूँ कि वसीम भाई को या वकार भाई को रिप्लेस, वैसे भी वो दोनों रिप्लेसेबल हैं, इसमें कोई शक थोड़ी ही किसी को उसको होना चाहिए, लेकिन एक बंदे की पीक होती है, एक डिक्लाइन होता है, एक टॉयलेट होता है टीम का, जिसमें आप मर्ज करते हो, फिर आप आते हो, फिर आप पेस दिखाते हो। So I thought के जाहिद अगेन, मुझे लगा कि 96 में खेला तो जरूर, लेकिन अभी भी 2 से 2.5 साल जाहिद पहले खेल सकता था और रॉ मटेरियल था, और 94 जब एंड आ चुके हो तो एक्सट्रीम पेस आ चुकी थी, तब मेरे ख्याल में वो 3 से 4 साल जाहिद को एक्स्ट्रा मिल जाते 97 तक या 98 तक, तो मेरे ख्याल में थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। बट हैविंग सेड दैट, रिप्लेस करना वकार भाई को और वसीम भाई को तो ऐसे ही था जैसे कि आसमान से तारे तोड़ के लाना, तो उस वक्त हमें कोई बाघ से अमरूद ही तोड़ने देता था, तारे कहां से तोड़ के लाना। तो मसला ये है कि अगेन बिलीफ का मसला था, बट आई थिंक वो जो जिक्स
जिंक्स जो तोड़ा आई थिंक वो मोहम्मद जाहिद ने तोड़ा, ये आते साथ ही ऐसा राइवल किया 11 विकेटों वाला, तो हम सारे ही बैठे हुए थे जो यंग फास्ट बॉलर्स थे, हमने सोचा बस अब जाहिद ही खेलेगा 10 साल हम तो देखेंगे। ये तो किस्मत के फैसले होते हैं। अच्छा जाहिद, एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो की शुएब और राशिद इंजॉय करेंगे कि जो पिंडी टेस्ट मैच था जो आपको ज़हूर इलाही ने डेब्यू किया था दोनों ने, तो वहां पे आधा घंटा लेट होने का खदशा हो गया था मैच, क्योंकि बॉल पहुंचे नहीं थे लगने थे टेस्ट मैच में, तो लोकल दुकान से जवेद स्पोर्ट से वो गेंद आए थे और वो पंपा बॉल था। पंपा लेकिन था, आपने ज्यादती भी की। बहरहाल ये तो किस्मत के फैसले मेरी किस्मत में था। पहली दफा हुआ होगा कि अंपायर अंदर चले गए और किसी के पास बॉल नहीं है। 20 मिनट मैच लेट हुआ कि बॉल लेके आओ दोबारा। मेरे ख्याल से ये तारीख में पहली दफा हुआ होगा इस तरह कि बॉल अंपायर्स अंदर हैं, बैट्समैन अंदर आ चुके हैं, फील्डिंग अंदर जा चुकी है और बॉल नहीं है। या सो बॉल लगा उसमें, वो भी बड़ा फैक्ट, उसमें भी बड़ा मुझे फायदा हुआ क्योंकि वो जो हमारे बॉल थे, एक तो हमने इतनी प्रैक्टिस करते थे, फर्स्ट क्लास भी उन्हीं से खेलते थे, दूसरा वो जब पुराना हो जाता तो स्विंग बड़ा होता है वो। दो राइट रिवर्स स्विंग तो नहीं हुई होगी ना राशिद भाई? बड़ी ठीक ठाक हुई थी। मैं मैच के दौरान, जैसे मैं तो नहीं खेल रहा था, मैं यहीं पे इस्लामाबाद में था, मैच के दौरान मैं गया था, टीम में मिला था, वहां पे जाहिद ने आउट किए हुए थे, सात आउट किए थे शायद ना उसमें। हाँ जी। और वो टेस्ट मैच बहुत यादगार है जाहिद के लिहाज से, और ये बॉल के लिहाज से भी काफी यादगार है कि बॉल नहीं आई थी टेस्ट मैच में। मेरे ख्याल से वो पहली सीरीज थी जब कोकाबुरा का बॉल लगना था। खेल रहे थे वैसे भी ना, जब जो मैं खेला था पाकिस्तान में जिम्बाब्वे के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कोकाबुरा से ही खेल रहे थे, वो बॉल नहीं आई। कोकाबुरा लग चुका था, कोकाबुरा लग चुका था उस वक्त, इंटरनेशनल सारे कोकाबुरा से खेला जाने थे, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ कि वो बॉल नहीं पहुंचा या कहीं नहीं, तो उन्होंने लगाना पड़ा वो बॉल। चलो खैर बॉल होता भी तो क्या है, 9 विकेट होती, 10 विकेट होती, 11 नहीं होती। किस्मत में 11 लिखनी थी, वो कोई भी बॉल होती तो 11 ही होना। कप्तान कौन था टेस्ट मैच में? कप्तान थे रमीज भाई, नहीं सईद अनवर, सईद अनवर कप्तान थे भाई, सईद अनवर। और शुएब शायद वो टेस्ट मैच नहीं खेला था, मोहम्मद अकरम खेला था, मोहम्मद अकरम, शाहिद नजीर, मोहम्मद अकरम और मुश्ताक अहमद और आप थे ना। शुएब वो टेस्ट मैच नहीं खेला। टेक अस थ्रू द टेस्ट मैच एक्सपीरियंस, क्या था, कैसा एक्सपीरियंस? मेरा बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं वो 2-3 हफ्ते मेरे बहुत ही अच्छे गए थे, उससे पहले जब मैं साइड मैच खेला तो उसमें भी मैंने काफी आउट किए, फिर उसके बाद मैं कराची चला गया जिसका मैच का राशिद भाई ने अभी जिक्र किया नेशनल बैंक के खिलाफ, उसमें भी मेरे को मेरे ख्याल से 12-13 आउट थे, तो उस मैच में 2-2.5-3 दिन में मैच खत्म हो गया था। तो फिर पिंडी पहुंचा तो कॉन्फिडेंस तो मेरा, क्योंकि मैंने देख लिया था न्यूजीलैंड टीवी स्कोर साइड मैच में, वो तो उनका तो पॉइंट ही आगे निकल रहा था, तो जब आपने एक आधा मैच पहले खेल लिया और टेस्ट मैच से, तो आपको पता चल जाता है अपनी स्ट्रेंथ का, तो दूसरों की वीकनेस का, वो तो खुल के आ गए थे सारे। क्योंकि मुझे याद है उसमें 2-3 एस्ट्रो को पहले बॉल पे आया, वो अब आ ही रहा था तो अगेंस्ट स्टंप्स में था, और विकेट कीपर ने भी काफी सारे कैच छोड़े थे। बल्कि उस मैच में मेरी फिटनेस का ये था कि मैंने सुबह बॉल पकड़ा पहली इनिंग्स में, और टी तक मैंने, जब तक टीम आउट नहीं हुई, टीम आउट हो गई थी, मैंने टी तक नॉन स्टॉप बॉलिंग की, मैंने 22-25 ओवर लगातार किए थे। या बड़ी बात है, इतनी लंबी बॉलिंग करो, शोएब भी इतनी लंबी बॉलिंग करता था, या आप भी बता रहे हो इतनी लंबी बॉलिंग करते, मैं वसीम भाई को भी देखा, विकी को भी देखा, आकिब को भी देखा, क्या रीजन थी? दोनों से सवाल है दोबारा से, शोएब से तो करते रहते हैं, जाहिद से भी, क्या रीजन है कि उस जमाने के 90s के जो बॉलर थे बहुत लंबे स्पेल करते थे? शोएब से पहले पूछे फिर मैं आता हूँ इस पे, शोएब से पूछते रहते हैं हम लोग। अच्छा राशिद भाई, मेरा तो ये था ना कि हम उस वक्त, हमें तो फिटनेस ये होती थी, हम जिम जुम तो जाते नहीं थे, मैं उस वक्त, उससे पहले मैं 3 साल था मॉन्टगोमरी में साईवाल एकेडमी में, वहां तो 1 बजे वो नेट लगा देते थे और 5 बजे तक, 5:30 बजे तक हमने बॉल करने ही होते थे, रशीद गिल साहब हमारे कोच होते थे, जब तक असर की अजान नहीं होती थी वो ब्रेक आता था 15 मिनट का, तो बीच में जो 4-4.5-4 घंटे वो रोजाना आपने 7 दिन बॉलिंग करनी है 3-4 घंटे, तो बन जाता है, जब इतने करता है बंदा तो फिर एंड्योरेंस भी आ जाता है, बन जाता सारा। बल्कि मुझे याद है जब हम अंडर 19 से न्यूजीलैंड गए थे, तो एक टेस्ट में भी एक मैच में फंस गए थे हम लोग, सिचुएशन बुरी चल रही थी, पार्टनरशिप लगी हुई थी उनकी, तो
मुझे याद है मैंने 40 ओवर का भी स्पेल किया था। एक तरफ से सकलैन बॉलिंग करता था, दूसरी एंड से मैं बॉलिंग करता था, 40 ओवर का भी स्पेल किया था वहां पे। शुएब भाई जी हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे इसी सवाल पे आगे आते हुए, दो चीजें कि आजकल के बॉलर ऐसे लगता है कि छुई मुई हो गए लंबे स्पेल्स पे, वन, हालांकि इनकी जिम ट्रेनिंग ज्यादा हो गई है, दिस मींस कि वो जो पुराना कॉन्सेप्ट था कि आपकी माइलेज और बॉलिंग वो ज्यादा प्रेफरेंस होनी चाहिए थी अदर देन जिम ट्रेनिंग एंड लुकिंग स्मार्ट, क्या कहता है शुएब? मतलब आप लोग 20-20 ओवर कर जाते थे यार बगैर थके उसी पेस पे, तो ये क्या था? अच्छा, दोनों स्कूल ऑफ थॉट ही ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं है, और दोनों में से हमें बेस्ट क्या अवेलेबल, उसमें से टेस्ट रन क्या निकालना है, हमें इसमें से जो डाइकोटमीट करनी है तो हमें इसमें क्या नतीजा हासिल करना है। जायद जैसी पेस का बॉलर 40 ओवर डज इट मेक सेंस टू एनीबॉडी? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, इंजरी होनी थी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ठीक है, अर्ली डेज में एक ये बात भी जरूर थी कि यार कि कौन लंबे ओवर कर सकता है, ये बात हमेशा हमारे सर पर रखी जाती थी, यार ये तो 2 घंटे का स्पेल कर सकता है, तभी फास्ट बॉलर माना जाता था। चलो एक बात तो ये ठीक है, चलो वो हमें टेस्ट रन कर दिया, लेकिन उससे आगे क्या था? अब देखें डॉक, राशिद भाई भी खेल रहे हैं, हम सारे चारों तीनों खेले हैं। देखिये, बॉडी नीड्स टू रिकवर, बॉडी की रिकवरी की भी एक 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 पूरा एक साइंटिफिक मेजर होते हैं, हमें रिकवर करना होता है, हमें मसल बिल्डिंग करनी होती है, हमें रिहैबिलिटेशन करनी होती है, हमें रेस्ट चाहिए होता है, हमें मसाज चाहिए होता है, हमें स्ट्रेच चाहिए होता है, हमें जिम चाहिए होता है, हमें टोनिंग चाहिए होता है, हाई रेपुटेशन ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन उस ऊपर हमारा गोल होता है। गोल क्या होता है कि जैसे बहुत सारे टाइम ऐसे आए, जैसे एक ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हुआ जिसमें 24 ओवर कराए गए, और मैं उस टेस्ट मैच में मैं अपनी मैनेजमेंट के साथ बड़ा मैं सीधा हो गया था, मैं कहकर देखे, और एक 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 टेस्ट मैच था मुल्तान में, मैं सीधा हो गया अपनी मैनेजमेंट के साथ, मैंने कहा देखो पहली विकेट तो आपने बनाई सीधी, दूसरी बात यह है कि अगर मुझसे 25 ओवर करवाने हैं तो फायदा क्या है, अगली टीम 500 कर जाए, मैं तो हूं ना 12-16 ओवर का बॉलर, अगर इसमें इम्पैक्ट लाता हूं ठीक है, अगर 20 ओवर भी करता हूं तो फिर इम्पैक्ट लाऊं, अगर मैं ही 40 ओवर कर दूं तो इम्पैक्ट नहीं आता। दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो मुझे गलत लगे कि एक तो हमें ओवर यूज किया गया, इमेजिन अगर वो अगर एक वजह से लेके 6 साल तक बॉलिंग ना हुई होती और यही मैच प्रैक्टिस में बॉलिंग जायद ने की होती और फर्स्ट क्लास में की होती, 20 ओवर किए होते लेकिन तगड़े, लेकिन बॉलिंग ज्यादा करना इट इज एन आर्ट और ताकत चाहिए आपको, जो आज के टाइम में लोगों में नहीं है, शौक नहीं है। हमें शौक भी था बॉलिंग करने का और ये भी शौक था कि आखिरी स्पेल भी उतना ही तेज हो जितना सुबह तेज हो। अगेन दो स्कूल ऑफ थॉट्स की जब मैं बात कर रहा हूं, तब आपको ये भी समझना चाहिए था कि मैं 2000 तक जब जिम ट्रेनिंग के अंदर मैं घुसा, मुझे पता लगा कि ये मेरे मसल मैस अगर मेरा तगड़ा नहीं होगा तो मैं टूट जाऊंगा और टूटता रहूंगा और टूट गया था 99, अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन मुझसे पहले मुझसे 550 आउट कराने का कोई मकसद नहीं बनता था फर्स्ट क्लास में, जायद से कोई मकसद नहीं बनता था। अगर इस एक्सट्रीम पेस के फास्ट बॉलर्स को अगर थोड़ा सा कवर दिया जाता, थोड़ा कवर दिया, मैं ये नहीं कहता कि 2 घंटे का स्पेल नहीं कराना चाहिए था, बिल्कुल कराना चाहिए करवाना चाहिए था, लेकिन वो माइलेज सेव करने चाहिए थे जायद के और मेरे, जो यूटिलाइज हो सकते थे पाकिस्तान के लिए, वो मेरे ख्याल में हम कहीं पे हमें मारी मिसमैनेजमेंट हो गई और जिसकी वजह से जायद टूट गया और प्रॉब्ली 97 में मैं भी टूट गया उस टूर पर। राशिद भाई जी बिल्कुल, अच्छा राशिद भाई डॉग ये शुएब की बात को आगे बढ़ाता हूँ, बिल्कुल बात बहुत जबरदस्त की है, जो कि फास्ट बॉलर अगर जैसे जाहिद ने अपनी बात बताई कि इतनी बॉलिंग अगर वो अपने अर्ली स्टेज में कर लेगा तो आगे कैसे लेके चलेगा, क्योंकि बॉडी को जरूरत तो होती है एनर्जी की, और आजकल की हम अगर साइंस देखते हैं उसमें भी यही है कि यार नेट्स में ना आप 8-10 ओवर का स्पेल करना है बस पूरे दिन में, उससे ज्यादा जो है ना वो एक्सीड हो जाएगी, बहुत ज्यादा बॉलिंग हो जाएगी। तो आप बताएं मेडिकली उसमें क्या है, शुएब की बात मुझे बहुत वजन लग रहा है इसमें। यार राशिद भाई, शुएब ने ना दरिया को कूजे में बंद किया जबरदस्त। एक तो जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स होते हैं इनके मसल डेवलपमेंट पहले आपको पता होना चाहिए बॉलर को भी, और जिन्होंने इनको यूटिलाइज करना उनको पता होना चाहिए। सेकेंडली किन कंडीशंस में कौन सी ग्राउंड में किस शू वेयर के साथ ये कर रहे हैं, जो इन दोनों के साथ ज्यादती तब हुई कि ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे, तब इतनी डेवलप्ड हम लोग थे नहीं। तीसरा शेयरिंग होनी चाहिए, अगर आपको याद हो वेस्ट इंडीज में जो क्लाइव लॉयड ने इंट्रोड्यूस कल्चर किया था वो डराने के लिए नहीं किया था, उसने प्रिजर्व किया था माइकल होल्डिंग एंडरसन रॉबर्ट्स को, साथ खेलते थे जोएल गार्नर और कॉलिन क्रॉफ्ट,
और वो चारों एक्सप्रेस थे और बेंच पे होते थे मेलकम मार्शल और वीन डैनियल और फ्रैंकिन स्टीवनसन। तो हम लोग भी ये कर सकते थे अगर जाहिद और शुएब आ गए थे तो वसीम वकार जाहिद और शुएब अगर करते तो इनकी लॉन्जेविटी ज्यादा होती। तो आजकल की साइंस आप जो हमेशा कहते हैं कि ये बीच बॉयज बन रहे हैं, बॉडी खूबसूरत होना जो है वो जरूरी नहीं है, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है और बॉडी की प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो ये शुएब ने बहुत खूबसूरत एक्सप्लेन कर दिया कि ये एग्जॉस्टेड थे जिस वक्त ये अपने पीक कॉम्पिटिशन में आए। हालांकि जब आप बिल्डअप करते हैं उसमें आपको एग्जॉस्ट नहीं होना चाहिए, आपको फ्रेश एनर्जी के साथ आना चाहिए बड़े स्टेज। लेकिन डॉग इसमें दूसरी बात मैं करना भूल जाऊंगा, तो जो ही हम अपने पीक पे पहुंचे ना, पीक क्या था हमारा 96, जाहिद का प्रॉब्लम 96-97 पीक होगा, मेरा पीक होगा 97-98 शायद होगा। तो दोनों ही एक ही साल खेले हैं और एक ही साल में दोनों टूट गए, व्हाट इज द रीजन? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, मैं थोड़ा मैं भी कहूंगा कि क्योंकि हम हमेशा ही डिटेन रहते हैं। जब आप इतना करते हो बॉलिंग, आपकी जिम नहीं है, आपका मसल डिटेन रहता है, उसने टूटना ही टूटना होता था। ये भी एक फैक्ट है इंजरीज के आने के हमारे, कि हम लोग जैसे हमारा जिम नहीं था क्योंकि हर दिन और सारा सारा दिन भागते थे, भागने से लीन मीन तो होता है, बंदा लीन ही होता है भागने से। आप देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है वो लीन ही होते हैं। और जहां तक आपने कहा बीच बॉडी की, मेरा ख्याल से जो ये वाली है अपनी बॉडी की खूबसूरती है इस तरह, वो बहुत बॉडी की खूबसूरती की नहीं है। बात ये है कि ये भी एक, मैं समझता हूँ डॉक्टर आपसे भी एग्री करता हूँ शुएब से भी, कि इंजरीज की ये भी एक वजह रही है क्योंकि आप हमेशा ही डी ट्रेन रहते हैं, आप हमेशा इतना भागते हैं सारा सारा दिन तो आपने बॉलिंग करनी। अच्छा मैं अगेन मैं एक बात पे फिर आऊंगा। जो देखें आप ये रियलाइज कर लें कि एक्सट्रीम पेस है, पेस एक्सट्रीम है, इसमें एक्सट्रीम स्प्रिंट है, एक्सट्रीम इसके अंदर एनर्जी बर्स्ट हो रही है और एक्सप्लोसिव एनर्जी बर्स्ट हो रही है आपस में। अच्छा आप कब तक इतनी स्पीड वाले बॉलर्स को कितना आप अरसा भगा सकते हो? जस्ट इमेजिन मैं आपको सुनारी देता हूँ, जब देखो जो अल्लाह की मर्जी वो तो हो गया, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन शायद आने वाले वक्तों में कोई ऐसे दो फास्ट बॉलर और तेज आए, ये उनके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉट बियांड के जरिए, कि देखें अगर 97-98 में मैं टूटता हूँ, मुझे एक साल लग गया रिकवर करते हुए, और नॉट नोइंग द फैक्ट कि मुझे मेरी पस्टी भी टूटी हुई है, मेरा घुटना भी टूटा, मेरा शोल्डर भी टूट गया। अब उसके पीछे रीजन क्या थी? रीजन ये थी कि मेरे ओएलसीसीए के ऊपर ढाई ढाई तीन तीन घंटे का स्पेल है। अगेन मुझे मेरा फुटवेयर का प्रॉब्लम था, हमें पाकिस्तान में कहां से, अब वो एक पोनी का जूता आता था, इतने बड़े जंप के साथ अब जाहिद इसको बताएगा बाद में भी, इतने बड़े जंप के साथ आप जब मारते हो लैंड करते हो तो जूता होल्ड ही नहीं करता आपका अगला टो, इसका हर दो दिन बाद इसका जूता फट जाता था, मैं हर दो दिन बाद सिलवाता था। ना हमारे पास कुशन था, ना हमारे पास कोई लुक आफ्टर करने वाली मैनेजमेंट थी, और दूसरा ऊपर से जो कल्चर था, कल्चर क्या था? दूध पियो और गरम दूध पियो राती, और सुबह उठ के तीन पराठे और चार अंडे खा लो, और उसके बाद आपने लंच टाइम तक बॉलिंग करनी, और लंच टाइम के बाद भी अगर आप बहुत तगड़े हो वाह वाह कराने के लिए कि जी इसने फिर बॉल पकड़ लिया, भाई बॉल जरूर पकड़वाएं, अगर आपके चार आउट हो गए लंच टाइम तक ठीक है बॉल जरूर पकड़वाएं, आपने रैप अप करने होते हैं मैचेस में, ठीक है मैंने रैप अप करना होता है, जाहिद ने करना होता है, ठीक है अग्रीड, लेकिन तुम्हारे मैच तो रैप अप हो गए, हमारी करियर भी तो रैप अप हो गई उसके दरमियान। यस बहुत खूबसूरत बात की है। अगेन मिसमैनेजमेंट की बात मैं बार बार ये कह रहा हूँ, देखें तकलीफ मुझे इस, देखें मैं बार बार एक बात करता हूँ, तकलीफ मुझे इस चीज की है कि देखें हमारा एक्सट्रीम टैलेंट जाया हुआ, ट्रांसपेरेंसी जो मुझे चाहिए होती है कि देखें मुझे कोई भी है, देखें आज जाहिद का करियर खत्म हो गया, मेरा खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया, लेकिन क्या ये रिकॉर्ड फर्क हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते, अल्लाह की मर्जी है, ठीक है अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं, अग्रीड, अल्लाह की मर्जी नहीं है तो बटन दबाता हूँ तो प्रोग्राम अभी खत्म हो सकता है, लेकिन हम कंटिन्यू कर रहे हैं ना प्रोग्राम को, तो ये इंसान का इख्तियार भी था। तो इस इख्तियार की मैं बात ये कर रहा हूँ कि हमारी मैनेजमेंट जब देखी गई कि जाहिद बुरेवाला से भाग रहा है लाहौर तक, और शुएब भाग रहा है पिंडी से पिंडी क्लब तक, ठीक है मोरगा से पिंडी क्लब तक भाग रहा है, नॉट नोइंग द फैक्ट ये रोड रनिंग के ऊपर कॉटलेज जाता है यार, डॉक्टर तुम्हें पता ही है यार, कॉटलेज जाता है, घुटना टूटता है,
ये हमारी सेविंग किसने करनी थी, हमारा इसे बचाना किसने था। अच्छा चलें, अब जो ही हमने पीक किया तो हमारी जितनी भी जो बेस्ट था ना हमारा, वो निकल गया हुआ था फर्स्ट क्लास में, हमारा बेस्ट निकल गया हुआ था थ्री डे में, हमारा बेस्ट निकल गया हुआ था भाई अगेंस्ट राशिद तीफ और यूबिल निकल गया हुआ था। जब हमारा बेस्ट देने का टाइम आया तो हम दोनों टूट गए। अब मुझे लगा डेढ़ साल वापस आते हुए, अगर वो भी मैं दिमाग का तगड़ा ना होता तो मेरे तो घुटना जिस घुटने से मैं खेला हूँ डॉक्टर, वो तो मेडिकली चीज प्रूव ही नहीं करती यार कि इतना खेल सकते हो। जो भी इसमें काउंटर एक क्वेश्चन बनता है ये कि देखिए आप दोनों का करियर सामने, तो हम अगर देखते हैं मेरे माइंड में ये आता है कि वसीम भाई और वकार ये क्या तगड़े थे, ज्यादा तगड़े थे इस वजह से इनकी इंजरीज कम हुई, नो डाउट ब्लेस्ड थे क्योंकि अगर आपका विकी भाई का जो लोअर स्ट्रक्चर देखे ना वो मुझसे भी बेहतर था, जाहिर से तो बहुत ही बेहतर था। अगर उनके जॉइंट के एक्सरे हमने करवाए, जब हम विकी भाई के एक्सरे होते थे लोअर बैक की और सारे उनके बॉडी एमआरआई होते थे, उनके स्ट्रक्चर में जाहिर के स्ट्रक्चर में जमीन आसमान का फर्क था। उनके घुटनों में आज भी इतना गैप है, घुटनों में आज भी इतना गैप, जायद की स्लिप डिस्क में इतना भी गैप नहीं था, वो ऑलरेडी प्रेस हो रही थी। अब इसकी जो बैक थी बिल्कुल जुड़ी हुई थी और उसकी बैक के ऊपर सारी चीज खड़ी हुई थी और ये बैक से और फ्रंट आर्म एक्शन था और अगली टांग थी जायद की और बैक को निकालना पड़ता था इसको और बैक यूज होती थी और बैक इतना ही था। लेकिन वसीम भाई आज देख रहे हैं, वसीम भाई आज रनिंग में हमसे आज भी बेहतर है, घुटने का कोई प्रॉब्लम नहीं, बैक का कोई प्रॉब्लम नहीं। इन्होंने कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता कि 30-40 हजार ओवर तो किए होंगे वसीम भाई, लेकिन आज उनसे 2000 ओवर और कराने हैं तो करवा लें, वो आज भी कर देंगे। विकी भाई से 1000 ओवर आज भी कराएंगे, मुझे जाहिद से अगर 2 ओवर करवाना चाहे ना और आज भी तो हमें 2 हफ्ते लगेंगे हर 2 ओवर करने के लिए। शोएब उसमें देखिए दोनों को इंजरी हुई है, ऐसा नहीं 87 में वसीम भाई को ग्रोइन हुई थी, फिर वकार को वर्ल्ड कप में 92 में, दोनों को मेजर इंजरीज हुई थी वैसे। दोबारा रिपेयर होता है उसका लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है सेल बनते हैं लेंथ, जब आप स्प्रिंट लगाते हो ना तो इतनी स्प्रिंट लगाते हो कोई इतना खींचने की कोशिश करते हो प्रेशर प्रेशर टाइम्स में तो आपकी हैमस्ट्रिंग खींचती है, टूटी रसिंग खुलती है, फिर वो सेल बनता है वो लेंथ बड़ी होती है, फिर आप मालिश करते हैं स्ट्रेच करते हैं उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज विकी भाई की जब बैक टूटी है ना, मुझे आप ईमानदारी से बताओ विकी भाई क्या वो विकी भाई थे जब बैक टूटी? नहीं थे ना, पेस में फर्क पड़ गया था, लेकिन फिर भी पेस से फर्क पड़ गया, उनकी रीच में फर्क पड़ गया राशि भाई, जो उनकी निप थी ना जो बॉल जहां पे टांगों में खत्म होता था उसकी पेस में और 89 की पेस में जमीन आसमान का फर्क था, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी फर्क पड़ गया था। दूसरी बात ये हुई कह रहा हूँ अगेन, आपके ब्लेस्ड होते हैं ये जो दुनिया जो जिम करती है ना, जिम कहते हैं यार मैं जाऊंगा जिम में खूबसूरत बॉडी भी बन जाएगी, मैं हमेशा कहता हूँ जिम भी खूबसूरत बॉडी भी अल्लाह का एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, आइदर यू हैव इट यू हैव अ गुड पॉस्चर और यू डोंट हैव अ गुड पॉस्चर, ये गॉड गिवन होता है। अच्छा इसमें राशिद भाई इजाइद को मैं इन्वॉल्व करता हूँ, जो आपने सवाल पूछा ना वसीम अकरम जो है ना उसको उस उनकी फिजीक को कहते हैं फिनोमेना, जो के रैपिड एक्शन था उनका शोल्डर का और वो नेचुरली ऑर्डेन्ड थे, वकार का जो है ना वो ही वाज अ नेचुरल एथलीट बट विद अ परफेक्टली मॉडल्ड एक्शन, लेकिन फिर भी जब बैक उड़ी उसके बाद आके उन्होंने इंटेलिजेंट बोलिंग ज्यादा की और पेस में जैसा शुएब ने का फर्क आया। जायद का एक तो ओपन चेस्टेड था, हालांकि जायद की भी एथलेटिक बॉडी थी और इसके अगर आप देखें तो जब फीट लैंड करता था वो सीजर कट होता था जिसकी वजह से लोअर बैक बहुत ज्यादा ज्यादा लोगों को पता नहीं है, जब मेरी बैक गई तो उसके बाद मैं 6 महीने बाद सारा कप खेला जाके उसके बाद मैं वापस आया तो फिर जो मेरी दूसरी बड़ी इंजरी हुई वसीम भाई को या वकार भाई को एक इंजरी हुई, मुझे जो दूसरी बड़ी इंजरी हुई जब मेरा नी टूटा जब मेरा इंटीरियर क्रूशिया टूटा, वो जब इंटीरियर क्रोशिया टूटा तो उसका वो इलाज नहीं था, जहाँ था तो वो बहुत महंगा था और किसी ने पूछा नहीं, 2-2.5 साल तो मैं घर में बैठा रहा, वो बीच के जो 2-2.5 साल थे ना और बैक के बाद दो इंजरी दो मेजर इंजरीज हुई, एक तो बैक फिर इंटीरियर क्रोशिएट और एब्सोल्युटली अच्छा शायद ये एक चीज अगर मैं हाईलाइट करना चाहूं क्योंकि आज हमने बहुत ये इंटेंस बातचीत हो गई और आगे आने वाले बॉलर्स के लिए जरूरी है, एक तो आपके एक्शन को कभी किसी ने किसी टीम डॉक्टर ने
क्या असेस किया था कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, एक्सरसाइज की कौन सी होनी चाहिए, अपर बॉडी ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए, लोअर बॉडी कितनी होनी चाहिए, शू वेयर कौन सा होना चाहिए, और दूसरा कितने स्पेल्स के बॉलर हैं आप, कितने ओवर्स पर स्पेल होने चाहिए, क्या कभी ये हुआ, नंबर वन। नंबर टू, रिहैब प्रॉपर की गई या आपको बस ये था कि अनु फिर खड़ा दियो? क्योंकि मुझे याद है श्रीलंका में आप टेस्ट मैच खेले हो ह्यूमिड और हीट में और बड़ी लंबी बॉलिंग करनी पड़ गई थी आपको, तब शायद आप रिकवर हो रहे थे, ये जरा एक्सप्लेन कर। अपने हमारे यहाँ जब जब हम खेल रहे थे तो हमारे कोचेस इतने एजुकेटेड थोड़ी थे कि वो ये सारा कुछ सर्च करते ये बताते। दूसरी बात रही, दूसरा क्या सवाल था, सॉरी मैं ज़हन से निकल गया। मैं दूसरा ये कह रहा हूँ कि जब आप इंजर्ड हुए उसके बाद क्या आपको प्रॉपर अटेंशन दी गई थी? नहीं, रीहैब नहीं हुआ जब मेरा नी के बाद मैं वापस आया, बीच में दो साल, फिर जब मैं मेरे बहुत ही आला दोस्त भी हैं, मेरे खैरखा भी हैं डॉक्टर तौसीफ, उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मेरे नी पे काम किया तो मैं खड़ा हो गया दोबारा। ठीक है, जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे याद है, शुएब को भी याद होगा, एक टेस्ट मैच था पिशावर में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जिसमें मार्क टेलर ने मेरे 333 किया था। जब मेरी बैग गई है तो डॉक्टर डैन कीजल होता था, दूसरे डॉक्टर ने कहा था कि इसको सिर्फ वन डेज खिलाना है, सिर्फ वन डेज खेलने, क्योंकि 5-6 महीने हुए थे मुझे अभी मेरा बैक ऑपरेशन हुए। तो मुझे माजिद भाई ने जबरदस्ती को, उन्होंने कहा तू टीम के साथ रहोगे, फिजियो साथ है, वो तुम्हें ट्रेन करेगा, माजिद भाई उसको चेयरमैन थे, मुझे उन्होंने स्क्वाड में रखा। अब जुवेद भाई कोच थे उस वक्त, उन्होंने 14 का स्क्वाड की बजाय उन्होंने 12 रखे स्क्वाड में। जब हम पिशावर पहुंचे तो मैं भी क्योंकि 12 में था, तो अचानक से वसीम भाई को पता नहीं क्या, वो कोई वसीम भाई मैच नहीं खेले, ठीक है, वो वापस चले गए कराची, तो रह गए 11। अब 11 में सुबह जुवेद भाई ने मुझे कहा नहीं तू मैच खेलेगा, टेस्ट मैच खेलेगा। उसके बाद भी फिर मेरा कोई काफी सारा जो 1-1.5 साल ना, क्योंकि पूरा टेस्ट मैच खेला, मैच भी बड़ा सख्त था, हमें बॉल भी 4-5 दिन हमने बॉलिंग की, उन्होंने तो सिर्फ बैटिंग ही की। ये जो जायद के साथ हो रहा है ना, यही इसके साथ प्लेइंग डेज में हुआ था, पीछे से खेचड़ बड़ी थी। इसमें क्या कहेंगे राशिद भाई, आप यू हैव बीन द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ सीरियस इशू कि आप हम किन चक्रों में होते थे? नहीं, हमने इसको टेस्ट मैच खिला दिया यार। यार डॉग ने अपनी रीजन बता दी, अब मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो अपने बताऊंगा कि मैं जाहिद के साथ हम लोग हांगकांग गए थे सुपर सिक्सेस में, और जाहिद जाहिद वहां पे था, वहां पे भी जाहिद अनफिट था, उनको एक मैच जरूर खिलाया था हमने, सॉफ्ट बॉल तो होती थी गेम। जी हम बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात है ना, पहले एयरपोर्ट पे ना दूसरा मोहम्मद जाहिद अपने बुद्धन आ गया था। वो भी सीन हुआ जब पहला कैंप लगा पाकिस्तान टीम का, तो मैं साहिवाल में था, तो हम अंडर 19 खेल के आ चुके थे, तो मैंने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, काफी आउट भी किए थे, तो उन्होंने मोहम्मद जाहिद का नाम डाला, तो वो मोहम्मद जाहिद चला गया, दूसरा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था वो कराची पहुंचे, तो मेरे ख्याल से कुछ 2 हफ्ते के बाद सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब होते थे केसीसीए के, जो प्रेसिडेंट थे मेरे ख्याल से, चेयरमैन थे जो भी, वो साहिवाल आए, तो हमारे मुल्तान डिवीजन के जो उस वक्त के सदर थे क्रिकेट एसोसिएशन के मियां बशारत शफी साहब, अल्लाह मियां उनको जन्नत में बहुत बड़ा मुकाम दे, बहुत आला आदमी थे, क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया उन्होंने अपनी जेब से, तो उन्होंने शिकवा किया बुखारी साहब से, उन्होंने कहा देखें जी हमारा बच्चा न्यूजीलैंड खेल के आया, तो उसने तो बहुत आउट की है, वहां बहुत अच्छी बॉलिंग की है, आपने इनको कैंप में तो बुला लेते, कहते इनका तो नाम कैंप में है, कह रहे तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने कहा उन्होंने कहा वो तो दूसरे जायद का, कह रहे नहीं दूसरे जायद का नहीं इसी जायद का नाम। 2 हफ्ते बाद जो मैं उन्होंने फटाफट मेरी टिकट का बंदोबस्त किया और मुझे अपनी गाड़ी में लाहौर भेजा और फिर मैं कराची पहुंचा। जी शुएब भाई शुक्र करें एक और शुएब अख्तर नहीं था। देखिए अगेन यार, अगेन शिकवे तो रहेंगे, और ये प्रोग्राम भी इसलिए कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों के लिए शायद किसी और के काम आ सके। अपने टैलेंट को मैनेज कीजिए, एक्सट्रीम पेस को मैनेज करना यही आर्ट है, यही मैनेजमेंट है, और यही जरूरत वक्त की जरूरत भी है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में अगर लोग ये समझें कि देखें आप दुनिया में सिर्फ 130, 135, 140 के बॉलर आ रहे हैं, और वो भी लंबी बॉलिंग नहीं करना चाहते, और वो भी टेस्ट मैच से भागना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं वनडे खेलने, T20 खेलने और जान छुड़ाएं।
और दुनिया में जो भी स्पेल याद रहे हैं दुनिया को, वो टेस्ट मैचेस के रहे हैं, वन डेज के नहीं, ना T20 के रहे हैं। आज तक मेरे ख्याल में T20 में सबसे अच्छा बॉलर अगर कोई आया है वो तो पाकिस्तान का है, वो उमर गुल है। उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप में 2009 में या उसके बाद भी या वन डेज में भी, तो वही है। लेकिन गुल्ली की अगर मेन स्पेल की बात की जाए वो तो प्रॉब्ली लाहौर का स्पेल है। टेस्ट मैचेस में अगर आपको प्रूव करना है तो आपको एक लंबी बॉलिंग, एक अच्छी मैनेजमेंट, एक अच्छी, एक पूरा दुनिया है, एक पूरी दुनिया को आपको सिस्टमैटिक तरीके से चलाना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अगर मैं अगेन मैं कहता हूँ, अगर मैं होता पीसीबी में, अगर मेरे पास किरदार है, इख्तियार नहीं है मेरे पास, अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं आज भी अपने 12 लड़के ऐसे तैयार करता जो अग्रेसिव होते, अच्छे बोलने वाले होते। अग्रेशन, अग्रेशन फिर बार बार कह रहा हूँ, अग्रेशन और बदतमीजी में बड़ा फर्क है। अग्रेसिव और चीज, अग्रेशन और चीज होती है, बदतमीज होना कोई और चीज होती है। मैं ऐसे 12 लड़के तैयार करता जिसमें पता लगता आपको दुनिया के ये 6 टॉप के बैट्समैन है, ये 2 टॉप के ऑलराउंडर, 4 टॉप के बैट्समैन बॉलर्स आ रहे हैं और 24 इनके पीछे जो खड़ा हुआ है वो टॉप का लड़का खड़ा हुआ है। और अगर मेरे पास इख्तियार हो, मैं अपने ब्रांड को सेफ गार्ड करता। मैं अगर जायद की, मैं अगर पीसीबी चेयरमैन होता, अगर मेरे पास होता तो मैं कोशिश करता कि मैं तौसीफ रज़ाक को इसी के साथ लगा देता और पैसे दे के लिगामेंट रिपेयर कराता, उसकी रिहैब करता। मैं टेनिस के प्लेयर देखे, लिगामेंट, क्रूशियल लिगामेंट जो है समझा यूज होता है टेनिस में या उसमें होता है स्क्वाश में, नहीं जब आप बहुत ज्यादा बेंड करनी पड़ती है आपको, अगर वो प्लेयर वापस आके खेल सकते हैं तो क्या फास्ट बॉलर नहीं खेल सकता? खेल सकता था। लेकिन अब ये जिम्मेदारी किसकी थी इसको सेफ गार्ड करना है? देखिए मैं बार बार कहता हूँ, टैलेंट हर कुछ हो सकता है, सारा कुछ टैलेंटेड, टैलेंट सारा कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए स्पोर्ट्स सिस्टम चाहिए होता है। अगेन आने वाले वक्तों में अगर हम अपने ब्रांड को सेव करने में कामयाब हो जाते हैं, बाबर आजम को हम बड़ा ब्रांड बनाने में कामयाब हो जाते हैं, नसीम शाह को हम समझाने में कामयाब हो जाते हैं, ट्रेनिंग ऐसी साइंटिफिक तरीके से ट्रेनिंग कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक बड़ा ब्रांड बन सकता है। तो ये चीज हमें दोबारा एक बार अपने अंदर लानी होगी या ऐसे लोग लाने होंगे जो हमारे ब्रांड की ब्रांड बिल्डिंग कर सके और बचा सके और लंबा खिला सके। अनफॉर्चुनेटली जायद के केस में वो खुद कह रहा है 2.5 साल मुझे छोड़ दिया गया और जाके बैठ गया, और क्या उसने मालिशें करानी थी हकीम साहब से? अब टूटे हुए लिगामेंट में मालिशें भी करती रही, मालिशें भी मेरी माँ मालिशें करती थी, उसका यकीन था कि मालिश से ठीक होगा। देखो यार राशिद भाई, अब आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि आप एक मुल्क के पास 100 miles पर आ रहा एक बॉलर हो और आप उसको 2.5 साल ना पूछे, फिर आप मुझे कहते हैं कि यार डॉक्टर पीसीबी के खिलाफ बातें ना किया कर, मतलब आप मुझे समझाएं कि इससे बड़ी, ये तो जुल्म है ना यार, ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म था कि 2.5 साल एक बंदा अनअटेंडेड। मेरा क्या कसूर इसमें? नहीं आप बताएं ना, आप मुझे हमेशा कहते हैं कि नहीं यार डॉक्टर धीमे होके चलो, ये हालात रहे आपकी यार, हिस्ट्री है, ये एविडेंस है, ये एविडेंस हुआ ना, लेकिन आप रोजाना ये बात करते हो, लेकिन एविडेंस आया ना, अब बात करें तो मजा आएगा, करें बात। नहीं आप करें ना, मैं तो ये बात करूंगा, मैं तो अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। जाहिद आजकल फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? राशिद भाई कुछ ज्यादा नहीं, मतलब नए फास्ट बॉलर देखेंगे उनमें कौन सा लगा कि यार ये मजा आ रहा है इसको देखने में, और मशवरा क्या देंगे? मेरा ख्याल है कि नसीम शाह की 10 के और ऊपर जा सकती है पेस, लेकिन जो मेरा ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है, उसको जिम थोड़ा कम करना चाहिए, उसको जरा नेट में ज्यादा जाना चाहिए, ताकि थोड़ा जितना लीन होगा, थोड़ा बिल्कुल ही लीन ना हो जाए जैसे हमारे टाइम पे था, बिल्कुल ही आप टूट नहीं, लेकिन जो जितना लीन होता जाएगा उतना उसके पेस बढ़ता जाएगा, उसको जरा भागना चाहिए, ज्यादा भागना चाहिए। अगर आज को बुलाया जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फास्ट बॉलर को देखा जाए, क्योंकि जिस खत्ते से, जिस जगह से आपका ताल्लुक है वहां पे पाकिस्तान ने फास्टेस्ट बॉलर दिए, शोएब अख्तर के अलावा आप हो गए, वकार यूनुस हो गया, नदीम इकबाल हो गया आपके साथ खेला हुआ था, फिर शब्बीरा हो गया, फिर उसके अलावा बहुत सारे जिनको मैं जानता भी नहीं, इतने सारे फास्ट बॉलर जी, 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 जी। तो क्या राशिद भाई उस इलाके में आके काम करना चाहोगे? बिल्कुल, मेरी तो पैशन ही है, मेरा तो ख्वाब है, बल्कि और दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, जब हम प्रैक्टिस करते थे तो आपने देखा होगा, शुएब ने भी देखा होगा, आप तो हर उस वक्त बैटिंग करते होते थे, आप तो हमारे सीनियर थे, साथ ही नेट करते थे, हम हमेशा बना हुआ बॉल करते थे नेट्स में। जब बना हुआ बॉल करता है तो आप ट्राई टू पिच अप, जब आप पिच अप करते हो वहां से पेस बनती है। तो मैं फिर भी कहूंगा कि इन सारे बच्चों को बना हुआ बॉल नेट में
पेस को इम्प्रूव करने के लिए, पेस को बढ़ाने के लिए बने हुए बॉल से बॉल करें। जितना पुराना बना हुआ बॉल होगा, जितना ज्यादा स्विंग होगा, जब स्विंग हो रहा हो तो रिवर्स स्विंग हो रहा तो बॉलर तो मेरा ख्याल उसको टांग भी टूटी हो तो उठ के खड़ा होगा कि नहीं आप दो मुझे बॉल। सो इनको काम करना चाहिए और बॉलर्स को स्पेशली जिम थोड़ा काम करना चाहिए, जो एक्सप्रेस बॉलर्स है थोड़ा जिम को काम करें, जरा बॉलिंग में जरा ज्यादा आए, जरा भागें ज्यादा। जी शेम भाई, नहीं मैं बिलीव करता हूं कि मसल बिल्डिंग के ऊपर, अगेन हाई रेपिटेशन ट्रेनिंग के ऊपर, स्ट्रेंथनिंग एंड्यूरेंस और इलास्टिसिटी के साथ अगर आप जिम करें तो आपकी बॉडी स्टेबल रहती है और साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है कि बिल्कुल एग्री करता हूं। दूसरी बात है कि मैं जो जाहिद जी कहना चाह रहा है वो यही मैं समझ रहा हूँ कि देखिये बॉडी लीन हो लेकिन मस्कुलर हो, लीन हो लेकिन मस्कुलर हो, उसमें ये ताकत जरूर हो कि उसमें जो 10 ओवर का स्ट्रेस है वो होल्ड कर सके। लेकिन अगर बिल्कुल जिस तरह अगर जाहिद की अगर आप देखेंगे ना बॉडी, अगर आप अभी भी देख लें बहुत लीन है, अगर इसके ऊपर इसके बैक के ऊपर मसल लगा ही नहीं होगा ना तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली जॉइंट के ऊपर प्रेशर आना ही आना है, जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस आना ही आना है, जॉइंट की स्लिप डिस्क के ऊपर आना ही आना है, टूट रही टूट। जो नसीम शाह का जो अपर पार्ट हैवियर है ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसको लीनर साइड पे ले आके मस्कुलर ना हो, हैवियर साइड में हो लेकिन लाइक अ ब्रूस ली टाइप बॉडी। एग्जैक्टली जो शायद उमर गुल की टाइप थी, जो उमर गुल टाइप की बॉडी थी, उमर गुल का अनफॉर्चुनेटली उसकी फिर लोअर बैक इतनी तगड़ी नहीं थी, उसका ग्लूट मसल इतना तगड़ा नहीं था, हैमस्ट्रिंग इतना तगड़ा नहीं था। ये सारा साइंटिफिकली राशिद भी असेस करना पड़ेगा आपको, आपकी एक मेडिकल पैनल बिठा के आपको टेपे लगा के मेजरमेंट करनी पड़ेगी, आपको मसल मास का उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको मैच में भेज के उनको बाहर निकाल के उसको लिखना पड़ेगा मसल मास कितना लूज किया है, पानी कितना लूज किया है, इलास्टिसिटी कितनी गई है, कितना स्टिफ हुआ है, कहाँ पे स्ट्रेस आ रहे हैं, कितने स्ट्रेस आ रहे हैं। अगर इनके बूटों में अगर हम ये फ्रेम लगा दें तो इनके शायद ये इन घुटनों में कॉम्पनसेशन आ जाए, शायद इसके फ्रेम में कॉम्पनसेशन आ जाए। मैं इतनी सारी बातें मैं इस पे बात कर सकता हूँ और घंटा भी कर सकता हूँ, लेकिन मेडिकल पैनल, ये मेडिकल पैनल आपका डिसाइड करता है राशिद भाई कि इसमें हमने कहाँ पे अपनी क्रिकेट को लेके जाना है। अब ये असेसमेंट कौन करेगा यहाँ, फिर मैं वो लफ्ज कह दूंगा तो फिर आप नाराज हो जाएंगे सारे। डॉक्टर आपसे सवाल है यहाँ पे, ये दोनों फास्टेस्ट बॉलर गुजरे हैं मेरे ख्याल से, इक्वली पेस थी दोनों की, इन दोनों की बॉडी डिफरेंट है, मैंने भी देखा आपने भी देखा, इन दोनों की ट्रेनिंग शोएब की टोटली डिफरेंट होगी और राइट की, वेट ट्रेनिंग का आप बताइएगा शोएब की बॉडी पे और राइट की, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं। हाँ जी, जो शोएब अख्तर है ना जी, शोएब अख्तर की जो बॉडी डायनामिक्स है वो टोटल आपने सही कहा कि 360 डिग्री फर्क है विद अपना जाहिर। और शोएब को जो ट्रेनिंग थी ना, शोएब में मसल मास इसका ऑलरेडी था और इसको ज्यादा प्रोएक्टिव होके, और जिसको कहते हैं ना ये एंटी ग्रेविटी और पुल एक्सरसाइजेस भी कर सकता था शोएब जो है, बिकॉज शोएब बेसिकली जो एक्शन था वो बाउंड वाला था और इसकी वजह से वो एक्सप्रेस पेस अपनी जनरेट करता था। और जहां तक जाहिद है ना, जाहिद को ये शोएब बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसका मसल मास जो है वो मसल होना चाहिए था ऑन द बैक, और इसकी जो है ना जिसमें कहते हैं स्ट्रेंथ गेन करने के लिए इसको स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए थी ज्यादा, बिकॉज ये नेचुरली लिथसम था, शोएब नेचुरली लिथसम नहीं था, शोएब की पंजाबी बॉडी थी जिसको आप कहते हैं ना तगड़ी बॉडी थी जान वाली, ये जो है ये एंड्योरेंस वाली बॉडी थी। तो आई थिंक जो एक्सरसाइजेस में फर्क है, ये पुल एक्सरसाइजेस वाला नहीं था, सिर्फ जिम में लेके गए, कुछ नहीं कराते थे, सिर्फ पूल जिम पूल जिम पूल जिम पूल, कोई भागना नहीं। अब 8-9 महीने बाद हुआ तो एक दिन मुदस्सिर भाई आए तो उन्होंने कहा यार सरा नेट में आप बॉलिंग शुरू करते हैं, तो मैं नेट में गया। अब मेरे मसल बड़े हो गए थे क्योंकि मेरा वो जिम वाली बॉडी है वो चुकी हुई थी, तो मैं नेट में गया तो मैंने बॉल किया तो बॉल मेरा बाजू ही ना चले, रुक गया मेरा बॉल, मेरा ख्याल से कोई 25-30 किलोमीटर की स्पीड से होगा, वो भी आधे से पिच से भी पीछे गिरा, तो मैं चुप करके ना मैंने अब जितनी भी 5-7 ओवर मुदस्सिर भाई ने करवाने थे वो करवाए, मैं सीधा डॉक्टर के पास गया तौसीफ, मैंने कहा आपने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरा तो बाजू नहीं घूम रहा, कह रहा कोई फिक्र नहीं, तो कल से जरा ना ट्रैक पे आ। अगले मेरे ख्याल से 2 महीने
सारा दिन भगाते थे, तीन तीन घंटे चल भागा बस। Absolutely. दो महीने बाद फिर मेरा कमबैक हुआ, जब फिर मेरा पाकिस्तान टीम में उसके बाद कमबैक हुआ। तो जैसे और मैं शुएब ने पहले बात की एजिलिटी की, अब जितने भी फास्ट बॉलर है एजिलिटी इज द की विद एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। यस, आज के बॉलरों में जो मैं देखता हूँ एजिलिटी इज द मेन की। ये एजाइल कम है, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, जैसे मैंने सीम को देखा, दे टू स्टिफ टू टाइट, दे नीड टू वर्क ऑन द एजिलिटी मोर, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। Absolutely. राशिद भाई, डॉग एक आखिरी सवाल मेरा शुएब अख्तर से है। शुएब ये बताइएगा कि आप थे साइड ऑन बॉलर थे, उसमें ज्यादा जो दुनिया के फास्ट बॉलर आए हैं वो साइड ऑन ही आए हैं, जाहिर थे ओपन चेस्ट, ओपन इनका एक्शन था, क्या ये वजह नहीं इनके इनके नी का या इनके बैक का क्लैप्स होना एक्शन की वजह से तो नहीं, ओपन चेस्ट में बहुत ज्यादा तेज बॉलिंग करने की वजह? नहीं, नी तो मेरा फुटबॉल खेलते टूटा राशिद, पहले बता देना। सॉरी, वो फुटबॉल खेल रहा था तो पीछे से आगे वार्म अप के लिए खेलता था। जरूर गल्ला मंडी पे खेल रहे होंगे, गग्गू मंडी में खेल रहा था, गग्गू मंडी। हां जी शोएब, देखिए राशिद भाई, एक तो बात ये कि दो टाइप फास्ट बॉलर्स बैठे हैं जो बिल्कुल दोनों ही फर्क है। एक तो फ्रेजाइल बॉडी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, फ्रेजाइल बॉडी, उस फ्रेजाइल बॉडी के ऊपर आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग करके मसल मास लगा के उसको आप सेफ गार्ड कर सकते हैं। मेरा अगेन मेरा एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग, जो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग होती है मेरी, वो मुझे जरूरत है, वो मैंने की। और अनफॉर्चुनेटली जो एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग मैंने जरूर की, लेकिन मेरा घुटना मेरा बिल्कुल साथ छोड़ गया था, तो 99 के बाद दोनों घुटने साथ छोड़ गए थे। मैं एक्सप्लोसिव करता था लेकिन टांगे रोक लेती थी मुझे, मेरे घुटने रोक लेते थे, मैं वो एजिलिटी में नहीं जा सकता था, ऊपर वाला पार्ट मेरा तगड़ा था। अब मेरे पास ये चॉइसेस थी कि मैं दो वनडे खेलूं, तीन छोड़ूं, तीन खेलूं, दो छोड़ूं, एक में बचूं, एक में जैसे जाऊं। लेकिन साइड ऑन होने की वजह से मुझे फायदा ये हुआ कि मैं अपनी मनूवरिंग जो थी ना, अपनी मनूवरिंग, घुटने का एंगल, अपने बैक की एंगल, एक्शन का एंगल हर वक्त चेंज करता रहता था टू कॉम्पनसेट कि मुझे तकलीफ ना बढ़े। जायद के पास ये लग्जरी शायद कम थी कि इसका फ्रंट ऑन एक्शन था, वो हाथ साइड से ला सकता था, ऊपर से ला सकता, नीचे ला, लेकिन नीचे से वो कुछ नहीं कर सकता था। नीचे से उसके जो बॉडी फ्रेम था वो उसने फंसना ही फंसना था, क्योंकि ये जो आधा फ्रंट ऑन जो मारता था पांव सीधा, तो इसकी बैक पीछे से बिल्कुल ऐसे रहती थी, ऐसे उसने ऐसे रोटेट करना ही करना था। मैं बिल्कुल ऐसे जाके मैं अपनी बॉडी के साथ जैसे बेसिकली झूले बैठा होता था, जो पिवट करता था अपने आप को, जैसे एक झूले का बेस होता है ना, उसके ऊपर घुमाए आप, तो पिवट करके मैं बहुत सारी चीजें अपनी कॉम्पनसेट कर सकता था। अगेन मैं ये समझता हूँ कि साइड ऑन एक्शन जो फास्ट बॉलर्स जो होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, इनमें स्लिंग शॉट भी ज्यादा होती है, इनमें लॉन्गजेविटी भी ज्यादा होती है। जो फ्रंट ऑन एक्शन थे सच एज अगेन अगर देखें एम्ब्रोस बैक प्रॉब्लम, अगेन मोहम्मद जायद बैक प्रॉब्लम, अगर मैग्रा थॉट टिल्ट ना करता जंप के टाइम का थॉट टिल्ट ना करता और तो उसका भी प्रॉब्लम हो सकता। मैं मैं और भी यहां पे थोड़ी क्लेरिफिकेशन देना चाहता हूं। मेरी जो बैक टूटी है ना वो मेरी बॉलिंग से नहीं टूटी, वो भी एक्सीडेंट से टूटी है। हाँ ना, मेरी बॉलिंग से तो नहीं मेरी इंजरी हुई। अच्छा, लेकिन जाहिर जो है वो नहीं, नहीं, आपका ट्रॉमा था। नहीं, ये सुनने वाली बात है, ये बड़ी काम की बात है। अच्छा, उन दिनों हम लोग उन्होंने हमें पंप किया होता था बड़ों ने, ये तो वो फील्डिंग, हम श्रीलंका में थे, ठीक है, मैच से एक दिन पहले की बात है। तो उन दिनों जाउंटी का क्रेज चला हुआ था, जाउंटी फील्डर था, सारे जाउंटी फील्डिंग जो ड्रिलिंग करनी थी जाउंटी को कॉपी करना था। तो मैच से पहले मैच मुझ खत्म, ट्रेनिंग खत्म हो गई है, और हमें भी बड़ा उच्च वक्त होता था कि एक्स्ट्रा करें, ज्यादा मेहनत करें टीम्स के, लैदा से ज्यादा। मैं था, वसीम था, शायद कोई एक आधा और बंदा था, हम लोग ये ड्रिल कर रहे थे कि जो वन हैंडेड पिकअप एंड स्लाइड ऑन द चेस्ट, जो शॉर्ट सिंगल को रोकने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। अब श्रीलंका के ग्राउंड आपको पता है काफी सैंडी है, वहां बारिश भी होती है, तो घंटे बाद आधे घंटे में मैच शुरू हो जाता है। तो मैंने बॉल पिकअप किया, मैं फुल फ्लो में था, फुल मोशन में था, फुल स्प्रिंट में था, पिकअप किया मैंने, अंडर आर्म जो है थ्रो किया, तो चेस्ट पे था। जब चेस्ट था तो वो मुझे स्लाइड मिली नहीं, जब स्लाइड नहीं मिली तो मेरी चेस्ट फंसी उस सैंड में, और मेरी टांगे जो ऊपर से, मतलब वहां से मेरी बैक
टूटी ऐसे करके. ओके कुर्सी के ऊपर टांगे रख के सोना तूने. अब सुबह क्या हुआ कि टेस्ट मैच शुरू हो गया और उन्होंने मुझे टेस्ट मैच में डाल दिया. ठीक है, अब मैं उनको कह रहा हूँ, रमीज भाई कैप्टन थे, मैं बार बार कह रहा हूँ सुबह से और टी तक मुझे 3-4 स्पेलों में बॉलिंग कराई. मैं उनको कह रहा हूँ मेरे दर्द हो रही, स्लीमर मिड ऑफ पे होते थे. ठीक है, स्लीम भाई को मैं बता रहा हूँ, स्लीम भाई मेरे मुझे सांस नहीं आ रहा, मेरी बैक जा रही है. उनको कह रहे बता उनको, मैं बता रहा हूँ एक ओवर का और का दो ओवर का. तो फिर मैंने मैच भी खिलाया उसके बाद उन्होंने. उसके बाद काउंटी आ गया था नॉटिंघम से, शायद आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कोई जी नहीं खेल सका था. फिर वो ऑपरेशन किया तो वो ऑपरेशन भी नहीं करना चाहिए था वैसे, वो भी एक बड़ी गलती थी. क्यों? अच्छा राशिद भाई एक चीज ऐड कर दूं, जो श्वेब ने भी अभी बात की कि जो श्वेब है ना वो बाउंड के साथ गेंद करता था और ये विप के साथ करता था ओपन चेस्टेड. ग्रेटेस्ट एग्जांपल है इमरान खान का कि ओपन चेस्टेड एक्शन था तो पेस नहीं थी. जॉन स्नो ने मोटिवेट किया था तो साइड ऑन हुआ था तो पेस आई थी और जिसकी वजह से उनके भी बाउंड की वजह से शिन इंजरी हुई थी. और अगर आप इयान बिशप देखें तो वो भी बैक एंड में रोटेट करता था, वो भी फारिग हो गया था. तो ये श्वेब ने बिल्कुल सही डायग्नोसिस किया जाहिद का कि बैक मसल्स नहीं थे तो ये क्योंकि बैक लोड लेती थी और रोटेट करती थी जब ये अपनी विप मारता था लास्ट, तो ये रीजन भी था. और अब इन्होंने सोने पे सुहागा ये भी बता दिया कि जॉन्टी रोड भी बनने चले थे, उसके बाद उसको टेस्ट मैच भी खिला दिया गया. जी राशिद ओवर टू यू. नहीं डॉक्टर बहुत मजा आया, बहुत काम की बातें हुई आज तो आपने मेरे ख्याल से बड़े अरसे बाद काम की बातें की है. नहीं नहीं शुएब और राइज यार दो ऐसे पाकिस्तान के सपूत हैं यार, डायमंड हैं दोनों. और जिस तरह से बातें की है मैं उम्मीद करता हूँ लोग जो भी सुनेगा उसको बहुत फायदा होगा. और मुझे खुद इतना मजा आया, देखो हर कोई रोजाना सीखता है और आज जो सीखने को मिला है दोनों से ये जिंदगी भर याद रहेगा. टॉप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे आज इनकी बातों से लगा कि शुएब श्वार्ज़नेगर और जाहिद जॉन्टी. थैंक यू शुक्रिया. गॉट बियाइंड.